हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिटेल में सॉल्व करना सीखा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही मैं जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको फ्री में, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है राइट टू सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू ए। यानी कि आपको क्या करना है कि यहां पर जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है इसमें आपको दो सॉल्यूशन निकालना है। पहले आप x का 0 में वैल्यू पुट करो, यानी कि x का वैल्यू 0 पुट करो तो देखो y का वैल्यू कितना निकल करके आता है। वैसे y इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू b आएगा। यानी कि अपने को एक बार x का 0 पुट करना है और फिर एक बार y का 0 पुट करना है, और हमें को देखना है कि y का वैल्यू कितना आ रहा है जब x का वैल्यू रख रहे हैं तो, और जब y का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x का कितना निकल रहा है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे कोई सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो जो एनसीईआरटी की बुक है उससे दिया हुआ है, तो वो थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है। देखो डिटेल में समझा देता हूँ कैसे लिखा जाता है। एग्जाम में अगर लिखोगे तो अब इस तरीके से लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू जीरो, हम लोग x का वैल्यू पहले 0 पुट कर रहे हैं। तो जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, माइनस में 2i इक्वल टू सेट में 10, तो 5 0 तो 0 हो गया, खेल खत्म। इस माइनस 2i को, यानी कि अपने पास ये जो माइनस 2 इसको तो ट्रांसफर कर देंगे, तो y इक्वल टू जाएगा 10 डिवाइड बाई में माइनस 2, क्योंकि ये चिपका हुआ है यानी मल्टीप्लाई में है। इसको कट करेंगे तो हमारा 5 आएगा, और लेकिन हमारा माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस 5, यानी कि जो y की वैल्यू है वो हमारी माइनस 5 हो जाएगी जब हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो ठीक है, तो आप इसको लास्ट में लिख भी सकते हो, इफ x इक्वल टू 0 है ना, देन y का जो वैल्यू होगा वो माइनस 5 होगा। उसी तरीके से अब यहाँ पर आप लोग फिर से उसी टाइप से लिखोगे कि सब्स्टिट्यूटिंग, हम लोग फिर से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करें इस बार, तो y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर y के बदले हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस में 2 इंटू 0 इक्वल टू 10। तो यहाँ पर 5x में से हमारा 2 0 से 0 माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 5x केवल बचेगा, इक्वल टू 10 हो गया। तो x का जो वैल्यू होगा वो 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5, सॉरी 5 बोल रहा हूँ यार, 2। यहाँ पर 5 जा 5 और 5 टू जा 10 हो जाता है। तो हमने क्या किया, जब हमने देखा कि y इक्वल टू, जब हम लोग 0 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, 2 निकल कर आ रहा है। बस इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको जैसे अच्छे समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट होगा नहीं, इस क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट इक्वेशन हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग करेंगे x इक्वल टू 0 पुट, तो अगर x वैल्यू 0 पुट करते हैं तो माइनस 4 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस में 3y इक्वल टू साइड में 12 है, तो ये तो माइनस 4 का 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, इसका खेल खत्म। तो 3y इक्वल टू 12 आ गया, तो y इक्वल टू यहाँ से 12 डिवाइड बाई 3, यानी कि y का जो वैल्यू है वो 4 निकल करके आ जाएगा, 3 4 जो 12 होता है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि x का वैल्यू जो हमने 0 पुट किया तो y इक्वल टू 4 आया, और y इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तब कितना आएगा, माइनस 4x है, प्लस में 3 इंटू 0 हो जाएगा y के बदले में, इक्वल टू साइड में 12। तो ये हमारे पास खेल खत्म हो जाएगा, 3 0 जो 0, तो माइनस 4x इक्वल टू 12 बचेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12 डिवाइड बाई में माइनस 4, और तो यहाँ से x की वैल्यू जो होगी हमारी माइनस 3 निकल करके आ जाएगी, क्योंकि 4 3 जो 12 होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। तो y इक्वल टू हमने जब 0 पुट किया तो x इक्वल टू हमारा माइनस का 3 निकल करके आ गया। ये रहा थर्ड इक्वेशन, आइए इसमें हम जल्दी से x का वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो ये 2 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस में 3y इक्वल टू 24 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो 3y इक्वल टू 24, देन y इक्वल टू हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 3, तो y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 8, 3 8 जा 24 होता है। क्योंकि उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में 3 इंटू 0 और इक्वल टू सर में 24, तो यहाँ से ये भी कट हो जाएगा, यानी कि 3 0 जा 0 हो जाएगा, तो खेल खत्म हो गया इसका। तो 2x इक्वल टू हो गया 24, तो x इक्वल टू हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2, देन x इक्वल टू आ जाएगा 12। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। दाल भात वाले क्वेश्चन थे एकदम बच्चों वाला ये क्वेश्चन। सो अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इसमें बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, सी का हम लोग क्या वैल्यू पुट करें इस लीनियर इक्वेशन में, जहां पर 2x + cy = 8 दिया हुआ है, हैज़ इक्वल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर इट्स सॉल्यूशन, जहाँ पर एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। तो बस यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं करना, एक्स या वाई में से किसी को भी एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर देना है। जैसे कि यहाँ पर एक्स है तो उसके बदले में वाई लिख दो, या वाई के बदले में एक्स लिख दो, और वहाँ से आप लोग सी का वैल्यू निकाल दो, तो फट ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है कि x जो है वो इक्वल है y के। ये अपने को गिवन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिख करके गिवन भी लिख सकते हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ भाई, इक्वेशन 2x + cy = 8 है। आप लोग क्या करो, x के बदले में या तो y लिख लो या y के बदले में x लिख लो, दोनों का बात एक ही पड़ेगा। तो x के बदले में हम लोग यानी y के बदले में x लिख देते हैं, तो ये जगह हमारा 2x प्लस में सी एक्स इक्वल टू साइड में 8। अब हम लोग क्या करेंगे, सी का वैल्यू निकालना है, तो सी एक्स इधर ही रहने दो, इधर जो 8 है इस 2 को इधर ले जाओ, तो इधर 2x क्या में था, प्लस में था, तो इधर आकर के माइनस का 2x हो जाएगा। अब हम लोग को केवल सी का वैल्यू पूछा है ना, तो सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 माइनस में 2x, और ये जो x हमारा यहाँ पर क्या में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सी का वैल्यू निकल गया। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था।
सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेट वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, यानी कि जो वाई है वो वेरी करता है, चेंज होता रहता है, जैसे एक्स चेंज होगा उसी तरीके से वाई भी चेंज होता रहेगा। तो अगर वाई जो है वो 12 है जब एक्स का वैल्यू 4 रहता है, एक्स का वैल्यू 4 रहता है तो वाई का वैल्यू कितना हो रहा है भैया, यहाँ पर 12 हो रहा है। ध्यान देना कि 4 थ्री जा 12 होता है ना, यानी 4 का टेबल जब हम 3 टाइम पढ़ते हैं तब हमारा 12 आता है। तो एक्स का वैल्यू 4 था तब हमारा वाई का वैल्यू 12 था, यानी कि 3 टाइम ज़्यादा था। तो देन राइट अ लीनियर इक्वेशन, तो एक लीनियर इक्वेशन बताइए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारे पास y का कितना वैल्यू होगा अगर हम लोग x का वैल्यू 5 लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे 4 थ्री जा 12 होता है वैसे ही 5 थ्री जा कर दो तो 5 थ्री जा 15 हो जाएगा। यानी लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास है वो हमारे पास y का वैल्यू वहाँ पर से 15 आ जाएगा। इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे यही समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले इस तरीके लिए लिख लो कि जो x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 12 है। हमसे बोला है कि एक लीनियर इक्वेशन बनाइए इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे सिंपल इक्वेशन क्या बना सकते हैं, हम जानते हैं कि अगर x और y को प्लस किया जाएगा तो 4 और 12 प्लस हो जाएगा और ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 और 12 प्लस होगा तो x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम लोग को दूसरा बोला था कि y की वैल्यू पता करनी है अगर x इक्वल टू 5 होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y इक्वल टू 3x, जो हमारा y है वो क्या है, x का 3 गुना है, यानी कि हम लोग जब x में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो y निकलता है। देखो ना यहाँ पर x में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे यानी 4 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 12 निकलेगा। इसका मतलब हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि y जो है वो 3x है। तो इसलिए इफ़ x इक्वल टू 5 देन y का अगर वैल्यू निकालना चाहे हम लोग तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5 और 3 5 या 15 होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन 9 भी आपको समझ में आ गया, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से वही बोल रहा है कि राइट द लीनियर इक्वेशन, एक फिर से लीनियर इक्वेशन लिखिए, सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज़ एन ऑर्डिनेट 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा। अब ये ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने आपको ग्राफ पेपर को तुम डिटेल में समझाया है कि ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, है ना। ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई वाले वैल्यू को। अगर हम लोग ग्राफ पेपर में एक्स और वाई दो वैल्यू देखते हैं, दो पॉइंट्स लेते हैं ना, तो एक्स वाले को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और वाई वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसे मैंने डिटेल में आपको ग्राफ वाले वीडियो में समझाया है, आप हमारे चैनल में जाइएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में, आप उसमें देख लीजिएगा, मैं वहाँ पर डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूँ इसके बारे में। तो हम लोग से ये बोल रहा है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखना है जिसमें हमारा जो ऑर्डिनेट है वो क्या है 3 टाइम से उसके एब्सिसा के। तो बहुत सिंपल है, ऑर्डिनेट को वाई मान लो, एब्सिसा को एक्स मान लो, आई कॉपी में लिखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरीके से लिख लेंगे पहले कि लेट द एब्सिसा बी एक्स, एब्सिसा को हम लोग एक्स मान लेते हैं पहले वाले को, जैसे इस तरीके से लिखाता है एक्स और वाई ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखाते हैं, ये पहला वाला एब्सिसा रहता है दूसरा वाला ऑर्डिनेट कहलाता है। तो ऑर्डिनेट को हम लोग वाई मान लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो हमारा ऑर्डिनेट है यानी जो हमारा वाई है वो क्या है 3 टाइम्स है उसके एब्सिसा के, यानी कि एब्सिसा जो एक्स है उसका 3 टाइम कर दो यानी कि 3x कर दो। यहाँ से अगर आप इसको इक्वेशन, ये तो खुद ही इक्वेशन के फॉर्म में, अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो वाई माइनस में 3x इक्वल टू 0, या फिर x वाले को अगर प्लस में लिखना चाहो तो इस y को उधर ले जाओ तो 0 इक्वल टू 3x माइनस में y कर दो, यही ज्यादा अच्छा लगेगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x माइनस में y इक्वल टू 0, तो ये वाला आपका फाइनल आंसर अच्छा लगेगा। ये मत लिखना y माइनस 3x, लिखने से अच्छा है 3x माइनस y कर दो, इस y को उधर ले जाओ तो यहाँ पे 0 बचेगा। और हम जानते हैं 0 इक्वल टू इतना लिखो या इतना इक्वल टू 0 लिखो, दोनों का बतिया एक ही होता है। तो इस तरीके से आपका एकदम परफेक्ट वाला लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ये आप लोग क्लास 11th वगैरह में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो इसके बारे में, मैंने देखा था एक टीचर पढ़ा रहे थे, वैसे तो मैं इसको नहीं पढ़ा था, वो आप लोगों ने इसके बारे में कहाँ पढ़ोगे पता है, कौन से स्ट्रीम लोगे तब, इसको एग्रीकल्चर वाले ज़्यादा पढ़ते हैं मैंने देखा था, बाकी इसको आप लोग फिजिक्स में ही पढ़ोगे, फिर भी आपको जल्दी समझा देता हूँ। इसमें बोल रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर इन केल्विन, यानी टेम्परेचर को दो तरीके से नापा जा रहा है, तो केल्विन से नापा जा रहा है, दूसरा फारेनहाइट से नापा जा रहा है, और तीसरा किस चीज़ से नापा जाता है टेम्परेचर को, उसका आप लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। केल्विन और फारेनहाइट के द्वारा भी टेम्परेचर को एक तीसरी चीज़ से नापा जाता है जो कि एकदम कॉमन यूज होता है हमारे इंडिया में, वो कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ थोड़े होशियार बच्चे हो आप लोग। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर को x डिग्री केल्विन में नापा जा रहा है और फारेनहाइट को y डिग्री फारेनहाइट में नापा जा रहा है। रिलेशन बिटवीन जो टू सिस्टम, यानी ये दोनों जो सिस्टम है इनके बीच का जो रिलेशन है मेजरमेंट का, वो हमको दिया हुआ है कि जो y होता है वो इक्वल होता है 9/5 एक्स माइनस 273 प्लस में 32, ठीक है, इसके ये इक्वल होता है y जो है ये, अगर हम लोग इसको x के बराबर देखें ना तो इतना हम लोग सॉल्व करेंगे तब जाकर के वो x के बराबर होगा। तो हम लोग से बोल रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फारेनहाइट, यानी कि आप फारेनहाइट में f में इसका वैल्यू निकालिए इफ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 313 केल्विन, यानी k में हमको वैल्यू दिया हुआ है हमको f में निकालना है, k में दिया हुआ यानी कि x का वैल्यू दिया हुआ है और अपने को क्या बोलते हैं इसमें निकालना है फारेनहाइट में निकालना है यानी कि y में निकालना है, यानी कि यहाँ से हम लोग को बस x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। उस तरीके से दूसरे वाले में टेम्परेचर जो है हम लोग इस बार फारेनहाइट में दिया हुआ है यानी कि y का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग को केल्विन में निकालना है यानी कि x का वैल्यू निकालना है। आइए फटाफट सॉल्व करते हैं।
तो देखो इस तरीके से लिख लो आप लोग कि हमको गिवन क्या है, तो ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास, एफ जो है फेरनहाइट वो हम लोग को वाई डिग्री दिया हुआ है और के को हम लोग एक्स मान रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हम लोग को पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में के का वैल्यू दिया हुआ है 313, यानी कि हमको एक्स का वैल्यू 313 ही दिया हुआ है, हमको यहाँ से वाई का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू 9/5, फिर इधर एक्स के बदले में हम लोग क्या करेंगे 313 रख देते हैं और माइनस में 273 हो गया, प्लस में हमारे पास 32 है। तो अब यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई में इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 313 में से 273 माइनस होगा तो 40 आ जाएगा, तो यहाँ पर 40 लिख लो, प्लस में हमारे पास 32 आ गया। तो ये हो जाएगा 5 × 5, 5 × 8 = 40, ये हो जाएगा हमारे पास 9 × 8 = 72, प्लस में 32, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 104 आ जाएगा। इसका मतलब कि 104 किस में निकला है, हमारा फेरनहाइट में निकला है, तो वह ये हमारा एफ की जो वैल्यू है वो 104 डिग्री हो गई, ठीक है, या फिर 104 फेरनहाइट ऐसे लिखा जाता है इसको, ऐसे 104 और फिर f इस तरीके से। दूसरे वाले में हमसे क्या बोला था, दूसरे वाले में हमसे y का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि हमको टेम्परेचर जो है फेरनहाइट में दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे f इक्वल टू हमको दिया हुआ है 158 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास y इक्वल टू हो जाएगा, y के बदले हम लोग को एक्चुअल में यहाँ पे लिखना था, चलो कोई बात नहीं, मैंने वाई लिख दिया, तो एक बार हम लोग फॉर्मूला को लिख लेते हैं, एक्स माइनस में 273 प्लस में 32 इस तरीके से। y का वैल्यू दिया हुआ है 158, तो y के बदले 158 लिख लो, इक्वल टू साइड में 9/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा x माइनस में 273 प्लस में 32, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना। इस 32 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 158 माइनस में 32 इक्वल टू साइड में 9/5 और ब्रैकेट में x माइनस में 273 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 6 और 15 में से 3 माइनस होगा तो 12, इक्वल टू साइड में 9/5 है और x माइनस में 273 है। फटाफट सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, यानी 126 ऊपर में 5 चला जाएगा और नीचे में 9 आ जाएगा, इक्वल टू साइड में x माइनस में 273 है। 9 × 9 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 × 9, और या फिर मैं डायरेक्ट चलो सॉल्व ही करके लिखता हूँ, यहाँ पे 9 × 9 हो गया और 3 बचेगा तो आगे जाकर 36 बना लिएगा, तो 9 × 4 = 36। अब 14 × 5 बचा है तो 14 × 5 कितना होता है 70 होता है, तो यहाँ 70 लिख लेता हूँ और इस 20 यानी 273 उसको भी इधर ले आता हूँ, तो इधर माइनस में है, इधर आकर के 273 प्लस में हो जाएगा, इक्वल को साइड में केवल x बच जाएगा। अब यहाँ पर दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 7 = 14 कैरी हो गया 1, तो 343 = x, यानी कि हमारे पास जो केल्विन में अगर अपन देखना चाहें तो जो टेम्परेचर निकलेगा हमारा x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 343 डिग्री केल्विन, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो ये आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही हमारे एप्लीकेशन में भी फ्री में कोर्स चल रहा है, तो उस कोर्स कभी तुम अच्छे से इंजॉय कीजिए और अपनी गर्मी की छुट्टी को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।